और इसलिए मैं तो सुनाया होगा, हमारे धीरज जी ने बताया होगा, हमारे सौरभ सर ने बताया होगा आपको। एलेक्जेंडर का जब जन्म हुआ था तो उनके फादर जो थे वो भी राजा थे, फिलिप। तो वो उस समय एरिस्टोटल के पास गए, यूनान की बात है ग्रीक। तो उन्होंने एरिस्टोटल से कहा कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गॉट अ सन, मैं मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, मैं बहुत खुश हूं और ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन उससे ज्यादा खुश मैं इसलिए हूं कि मेरे पुत्र का जन्म तब हुआ है जब एरिस्टोटल जैसे शिक्षक हमारे देश में। तो इसका मतलब क्या है कि टीचर जब एलेक्जेंडर जब पैदा हुए तो उनके फादर ने यह देखा कि एक ऐसा टीचर है जो कि मेरे बेटे को पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है। तो टीचर का जो रोल है वो अभी आपने देखा कि एक स्टूडेंट यहां पे आया था, आपने देखा कि हमारे पास गोयल आया था, लड़का आयुष गोयल आया था, ऐसे से बहुत सारे बच्चे जो कि अचीवमेंट करते रहते हैं और ये आपको टीचर के साथ मिलेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे बैच में जब मैं पढ़ता था तो एक हमारे साथ लड़का था, ही वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स एंड ही यूज्ड टू बुली द टीचर। कभी कभी वो टीचर को यानी परेशान कर देता था, डेलिबरेट इंटेंशनली ही यूज्ड टू ब्रिंग द सम द कैलकुलेशन एंड ही यूज्ड टू ट्रैप द टीचर। और अगर आप कहें आजकल के अगर विद्या मंदिर की बात करें, फिट जी की बात करें, तो उनके लिए तो फिर वो यानी आईआईटी का टॉपर भी होना चाहिए, वो गूगल में काम करने वाला भी होना चाहिए, वो किसी कंपनी का सीईओ होना चाहिए। बट ही इज नथिंग डियर, ही इज अ प्रॉपर्टी डीलर टू। तो कहने का मतलब क्या है कि टीचर का जो एक आशीर्वाद है, टीचर का जो एक गुड विश है, वो आपके लिए एक नेक्टर का काम करता है, एक ऐसा फ्रूट देता है आपको कि जो कि आपको लाइफ में बढ़ाए। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर, एनीवेयर एनी टाइम उनकी बात सुनिए, उनकी बात कीजिए। हमारे साथ कुछ टीचर है हमारे जो यहाँ से, क्योंकि ये सिस्टम है, कई बार हमारे पास पोस्ट नहीं होती है तो चले जाते हैं। अभी भी मैं देख रहा था जब हमने एक सर्वे किया था मैंने, तो उस सर्वे में जो मैंने देखा कि पूजा का जो रिस्पॉन्स था, यानी पूजा के बारे में जो बच्चों के रिस्पॉन्सेस थे वो बहुत ज्यादा आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूजा इज अ टीचर इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 10 इयर्स। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे पूजा की। और पूजा हम चाहते थे कि आप यहां रहें और बहुत वंडरफुल मैथमेटिक्स टीचर है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, स्टिल आई एम ट्राइंग कि पूजा कहीं किसी हमारे स्कूल में ही हो या नहीं तो किसी प्राइवेट स्कूल में उनको शिफ्ट किया जाए। तो वंडरफुल टीचर, ऐसे ही ऋषा ने आपके साथ आपका जो डाइट प्लान है, जो आपके साथ हेल्थ पे काम किया है, नीलम इतने दूर से आती थी, सी यूज टू कम फ्रॉम रोहिणी और लगभग 2 घंटे लगे, स्टिल सी यूज टू रीच हियर। तो एक पैशन था, जब इनका ट्रांसफर जब इनको भेजना पड़ा तो वी वर नॉट इन गुड कंडीशन, लेकिन फिर भी कर कुछ नहीं सकते। अगेन सी हैज गॉन टू अनदर स्कूल, लेकिन इनका जो टीचर है, जो पेशेंस इनके अंदर है, दैट इज ग्रेट। और दीपक तो हमारे एक सदैव टीचर हैं, कलाकार हैं, ही लुक्स लाइक आर्टिस्ट। जैसे अभी शर्मा जी बता रहे थे इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स आप इस हॉल में भी देख रहे हैं, तो ही इज वंडरफुल पेंटर। तो ऐसे लोग धीरज, धीरज के बारे में अभी धीरज का हमने एक प्लान किया था कि एक प्राइज मिल रहा, आज ही मिल रहा त्यागराज स्टेडियम में जा रहा हूँ, लेकिन धीरज का नाम भी हमने भेजा था फेस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के नाम से। उसमें वो होता है जो टीचर कुछ विशेष काम कर, धीरज का हमने प्रोफाइल भेजा था। और अगर मैं सीधे लफ्जों में बोलूं, स्ट्रेट भाषा में बोलूं, थोड़ा धमकी भरे भाषा में बोलूं, तो देयर इज नो फेस इन द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन देन धीरज कुड़े। तो धीरज के लिए एक बार जोरदार ताली। भले ही धीरज वहां पर नहीं है, वो प्राइस किसी दूसरे का है, दूसरा जाएगा, लेकिन धीरज का जो प्रोफाइल है लोगों को समझ में नहीं आया। 35-36 टाइम इनका ब्लड डोनेशन हो चुका है, लैक्स ऑफ ट्रीज ही हैज प्लांटेड, थाउजेंड ऑफ बर्ड्स इन्होंने अपने स्टेज किए। तो इनका जो और टीचिंग में तो आपने देखा ही है कि किस तरीके के हैं, बातें नहीं करेंगे बीच में, नोबडी विल टॉक, नोबडी। अभी
एक बच्चे ने यहाँ कौन थी लड़की मेरे गांव से अभी मिली थी मुझे, कौन थी? नहीं प्रिया तो थी, अरे एसएससी की लड़की है, क्या नाम? अनम, अनम है, खड़ी हो जाओ। अनम ने मुझे विश किया, तो अनम ने कहा सर आप मुझे बहुत कर रहे हो, ग्रूम कर रहे हो। मैंने अनम को बोला कि नॉट ओनली इन दिस स्कूल, वी विल ग्रूम यू व्हेन यू आर इन कॉलेज, वी विल ग्रूम यू व्हेन यू आर इन रियल लाइफ, वी विल ग्रूम यू व्हेन यू आर हियर एंड देयर एंड एनीवेयर। तो अनम वी आर विद यू, ओके सिट डाउन। तो ये सारी चीजें हैं, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं, ये केवल एक टीचर्स डे की बात नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि टीचर्स के साथ आप रहें। और डॉक्टर राधाकृष्णन जिनका आज हम बर्थडे मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि किसी स्कूल में, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना बहुत आसान है, आपका भी हो गया है, एसएससी में भी हो गया, लेकिन वहां पे आपको अच्छी शिक्षा मिले ना मिले, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाओ ना कर पाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन योर विल पावर, आपकी स्किल के ऊपर करता है कि आप कहां कितना लें। उन्होंने इंग्लिश के बारे में भी कहा था, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट भी है, अंबिका भी यहाँ पे, कि लैंग्वेज आप जितनी सीखेंगे उतना आपको फायदा होगा, इसीलिए हमने कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस की। तो उन्होंने कहा था कि इंग्लिश इज नॉट अ मोनोपोली ऑफ ब्रिटिशर्स, इंग्लिश ब्रिटिशर्स की मोनोपोली नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कोई भी सीख सकता है, कहीं का भी सीख सकता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का जब आप पढ़ेंगे, जीवन दर्शन पढ़ेंगे, आप जरूर पढ़िए उनके बारे में, डॉक्टर राधाकृष्णन और विवेकानंद दो को जरूर पढ़िए, आपको लाइफ की आधा एनर्जी मिल जाएगी, यू विल गेट दैट। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, और उन्होंने एजुकेशन के लिए जितना किया किसी ने नहीं। तो आज हम यहाँ पे, मेरा एक जैसे कि अभी धीरज बोल रहा था कुछ इनोवेशन करते रहते हैं, मैं जिस भी स्कूल में रहता हूँ उस स्कूल में कुछ टीचर को टीचर डे पे सम्मानित किया जाता है, और वो टीचर्स हमारे जो भी हैं जिस भी फील्ड में हैं, यहाँ पे भी आज हम उस ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो टीचर भी हैं यहाँ पे वो भी सुन लें, बच्चे भी सुन लें, अपने पेरेंट्स को भी बताना कि द अवार्ड विच वी आर गोइंग टू गिव देम टुडे दैट इज मोर वैल्यूएबल, मोर प्रेशियस, मोर इंपॉर्टेंट देन नेशनल अवार्ड एंड स्टेट अवार्ड। एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो अब क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं आऊंगा, नवदीप जी ये बैग देना थोड़ा मुझे, इसमें कुछ मटेरियल है, सिद्धि सर भी हेल्प करेंगे। अब मैं एक एक आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे निकालूंगा, और उस सर्टिफिकेट की लैंग्वेज जो है वो जब मैं पढ़ूंगा आपको, तो आपको थोड़ा सा गेस भी करना है, क्योंकि मैं टीचर का नाम नहीं ले रहा हूं, ओके। और ये सर्टिफिकेट पहले आपको दिखा देता हूं कितना बढ़िया है, लेकिन जोरदार ताली बजाओ इसको। इसमें मैंने लिखा है राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय गौतमपुरी टीचर ऑफ द सेशन 2022-23। ध्यान रखिए सेशन की बात कर रहा हूं। इसमें है कि द ऑनर ऑफ द टीचर ऑफ द सेशन 2022-23 कंफर्ड ऑन टीचर का, मैंने डॉट छोड़ दिया आपके लिए, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, मेटिकुलस प्लानिंग एंड कंसिस्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर क्वालिटी आउटकम्स। द स्कूल फैमिली विशेस हिम और हर, आप बताएंगे, मोर सच एक्लेड्स एंड अचीवमेंट इन फ्यूचर। बताइए कौन है टीचर, कौन है? मल्टीपल बॉयस आ रही है, मल्टीपल बॉयस आ रही है। चलो मैं थोड़ा और हिंट देता हूं, वो टीचर ऐसा है जिसके कि 75% स्टूडेंट ने 90+ स्कोर किया है अपने सब्जेक्ट। अभी पता चला, चलो अब तो थोड़ा और क्यों, ह्यूमैनिटीज के क्लास, ह्यूमैनिटीज के बच्चे बताएंगे। परविंदर, परविंदर प्लीज कम हियर। और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे टीचर यहां स्टेज पे आ जाए, सारे ऑल टीचर्स शुड कम ऑन द स्टेज, सारे टीचर स्टेज पे आ जाए प्लीज।